आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पिवट टेबल। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है पिवट टेबल की। तो पिवट टेबल को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी चीजें आप जान लें कि चीजें क्या होती है। जैसे कि रिपोर्ट हम बनाते हैं, रिपोर्ट में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पिवट टेबल का रोल होता है। क्यों रोल होता है? क्योंकि हम जो ये करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं ऑफिस में, वो क्या होता है? समरी ऑफ द डेटा होता है क्या? और पिवट टेबल का काम भी होता है डेटा को समराइज करना, डेटा को एनालाइज करना और डेटा को रिप्रेजेंट करना। राइट सर? ठीक है। तो डेटा को समराइज करना, एनालाइज करना एंड रिप्रेजेंट करना हमारा इसका काम होता है पिवट का। इसलिए हम पिवट का हम डेटा समराइज करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन एक आता है यहां पे, कि पिवट लगाने से पहले हम क्या क्या करें। सबसे पहला काम होता है डेटा को समझना। कि डेटा को जब तक नहीं समझेंगे तब तक डेटा पे एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। तो डेटा के साथ हम क्या कर रहे हैं? डेटा के साथ हम डेटा को एनालाइज कर रहे हैं। तो डेटा जब एनालाइज करेंगे तो हमें डेटा को पता होना चाहिए कि डेटा क्या है। अगर डेटा पता नहीं है तो क्या करेंगे आप? कुछ नहीं कर पाएंगे, करेंगे तो गलत होगा ना। इसलिए ये पता होना चाहिए कि डेटा क्या है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपके सामने मेरा डेटा दिख रहा है, ये डेटा है एक सेल्स का। इसमें कस्टमर है, इंडस्ट्री है, रीजन है, प्रोडक्ट है, एस्टिमेटेड सेल्स के रेवेन्यू है, एक्चुअल रेवेन्यू है, एमआरपी है एंड क्वांटिटी है। क्वार्टर में, किस ईयर में और किसने सेल किया, किसने सेल किया है। सिंपल सर, डेटा समझने के बाद दूसरा पीजन आता है डेटा को चेक करना कि डेटा में कोई कॉलम ब्लैंक तो नहीं है और आपका डेटा में कोई पूरी की पूरी रो ब्लैंक तो नहीं है। कॉलम ब्लैंक हो तो आपको फिल कर दीजिए, क्योंकि ब्लैंक कॉलम पे आपका पिवट नहीं लगेगा। और रो ब्लैंक है तो आपको फिर डेटा को सिलेक्ट करके फिर पिवट लगाना होगा। ठीक है, रो ब्लैंक नहीं है तो आप डेटा को बिना सिलेक्ट किए पिवट लगा सकते। पिवट मेनू बार में पिवट टेबल का ऑप्शन आता है, लेकिन उससे पहले एक होता है रिकमेंडेड पिवट टेबल। ये क्या करता है, आपको डेटा को एनालाइज करके ये अपने आप से आपको कुछ टेबल्स, पिवट टेबल्स बना के देता है। ओके, जो कुछ पिवट टेबल्स हैं ये आपको बने बनाए आपको बना के देता है। क्यों? कि आप जो है इस पे एक कर सके, मतलब कि देख सके क्या है, इस तरह का डेटा तो नहीं बनाना है आपको। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर इस तरह की डेटा आपको बनानी है तो आप इस पिवट टेबल को ओके कर सकते हैं, आपका पिवट टेबल लग जाएगा। ठीक है, वरना खुद से पिवट टेबल तो आप लगा ही सकते हैं। हम पिवट टेबल पे आते हैं, यहाँ पिवट टेबल पे क्लिक करते हैं जी। देखिए, पिवट टेबल लगाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिर आपको चाहिए रिपोर्ट क्या चाहिए। तो बेसिकली मुझे इसमें रिपोर्ट चाहिए कि जो मेरा डेटा है, डेटा आप देख रहे हैं, इस डेटा में मुझे ये रिपोर्ट एक करना है कि मुझे इसमें पता करना है कि रीजन वाइज कितने नंबर ऑफ क्वांटिटी सेल किए गए। मुझे ये पता करना है कि किस रीजन में कितने नंबर ऑफ क्वांटिटी सेल किए गए। ठीक है, तो कैसे करें इसको?
तो इसके लिए हम यहाँ पिवट टेबल लगाते हैं एंड ओके करते हैं। और यहां पे हम रीजन को रो में रखेंगे। रीजन को रो में रखने से क्या हुआ, ये हमारा रो वाइज डेटा है। ठीक है, आ गया रो वाइज हमारा डेटा आ गया। हम इसको उठा के कॉलम में रख सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा, आपको मैंने बोला था कि पिवट टेबल में जो फील्ड है वो फील्ड ब्लैंक नहीं होने चाहिए, इसलिए बोला था क्योंकि ये फील्ड के अकॉर्डिंग ही चलता है। अगर फील्ड ब्लैंक होगा तो वर्क नहीं करेगा। तो इसको हमने अब यहाँ पे हमने रीजन को यहां से उठा के इन चारों में ड्रॉप करना है। तो जो हमें जिसका लिस्ट बनाना है उसको हमेशा रो में रखते हैं या कॉलम में रखेंगे। तो कॉलम में नहीं रखेंगे, रो में रखेंगे, क्योंकि मोस्टली लिस्ट हम रो वाइज बनाते हैं ना। ठीक है, उसके बाद जिसका सम करना है उसको रखेंगे हम वैल्यू में, जैसे क्वांटिटी का सम करना है। By default ये सम आ गया, अदरवाइज यहाँ पे क्लिक कीजिए वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाइए। यहाँ छोटी सी एक एरो निशान दिख रहा है, इस पे क्लिक कीजिए, वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाइए और यहाँ से सम एवरेज मिनिमम जो करना कर सकते हैं। अब आपकी इस डेटा के ऊपर ये समरी बन गई कि रीजन वाइज टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी, नंबर वाइज नंबर ऑफ क्वांटिटी। अब यहाँ पे अगला आता है कि इसको ऐसे तो नहीं भेजेंगे। ऐसे यहाँ पे देखिए रो लेवल लिखा हुआ है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे हम इसको रीजन कर सकते हैं, सम ऑफ क्वांटिटी है, इसके जगह पे मैं यहाँ पे टोटल क्वांटिटी कर सकता हूँ। सॉरी सर, नो प्रॉब्लम सर। तो रीजन एंड यहां पे टोटल कर दिया। अब इसकी जो फॉर्मेटिंग है, अब जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसको कॉपी करेंगे फिर जहां उनकी रिपोर्ट्स होती है वहां पे पेस्ट करेंगे। ओके, इसी पिवट टेबल किसे क्यों होता है आपको कि हम पिवट रिपोर्ट्स वगैरह बनाते हैं तो इन्फॉर्मेशन समराइज करके पिवट टेबल से उठा के अपने जो समरी रिपोर्ट है उस पर पेस्ट करते हैं। ठीक है, इसमें बहुत केसेस में क्या होता है कि जैसे पिवट टेबल हमने रिपोर्ट बनाया, जैसे बनाया वैसा ही हमने भेज दिया। ठीक है, ठीक है, तो उस केस में हमें पिवट टेबल पे जब अगर भेजना है तो हमें इसकी फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। तो फॉर्मेटिंग आप नॉर्मल भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप रिफ्रेश करेंगे तो आपका फॉर्मेटिंग हो सकता है कि आपका रिमूव हो जाए या फिर इंक्रीज डिक्रीज ना हो। अब रिफ्रेश क्यों करेंगे हम, देखिए इसमें डेटा अगर कुछ अपडेट करते हैं, जैसे डेटा अभी ऐसा है और सेम है, मान लीजिए कि आपने कुछ डेटा अपडेट किया, कुछ चेंज किया है, तो आपका पिवट पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा। रिफ्लेक्ट कब होगा, जब आप इस पे राइट क्लिक करके रिफ्रेश करें। ओके, देखा आपने रिफ्रेश करते ही कॉलम साइज कम हो गया। ठीक है, इसलिए तो हम सजेस्ट करेंगे कि आपको पिवट टेबल की खुद की फॉर्मेटिंग है वो अप्लाई करें। यहां से दिख रहा है ना आपको सर, ठीक है, ए फॉर्मेटिंग आप यहां से अप्लाई करेंगे तो बेटर रहेगा। ओके, तो ये क्या होगा, एक पिवट का पार्ट हो जाएगा।
ठीक है, टोटल क्या हो जाएगा, पार्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब इसमें कितना भी रिफ्रेश कीजिए तो ये हटेगा नहीं, ये हमारा समरी बन गया। तो आपको मोटा मोटी समझ में आ गया कि पिवट टेबल से आखिर हम करेंगे क्या? हाँ जी, समझ में आ गया। अब कुछ और जानते हैं। अब जैसे कि हमने अभी एक इन्फॉर्मेशन निकाले कि रीजन वाइज हमने क्वांटिटी का टोटल निकाला, लेकिन हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो हमने पिवट टेबल क्रिएट किया, एक नई सीट में आया पिवट टेबल में, हमें रीजन वाइज ही मुझे क्वार्टर का सम चाहिए, क्वांटिटी का सम चाहिए, मुझे एमआरपी का एवरेज चाहिए। तो हमने एमआरपी को नीचे यहाँ पे रख दिया, बट ये तो सम है, तो यहाँ पे जाएंगे वैल्यू फील्ड सेटिंग में और इसको एवरेज कर देंगे। हाँ समीर, हाँ समीर, एक सेकंड होल्ड कीजिए, एक सेकंड। सॉरी सर, तो ये समझ में आएगी सर आपको सर, ठीक है। लेकिन सर अगर मुझे यहाँ पे आपने लगाया है एवरेज एमआरपी, अगर मुझे एवरेज नहीं चाहिए, मुझे एक्चुअली एमआरपी चाहिए, प्राइस जो है ना कि प्रोडक्ट की, तो जो प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे समझ जाइए, ये चीज तो समझना होता है पिवट में। पिवट क्या है, समरी बनाता है, तो इसके पास बहुत सारे क्या है एमआरपी, एक ही रीजन के चाहे एक ही प्रोडक्ट के, तो इसमें से कोई एक ही शो करेगा ना, यहाँ पे सारा थोड़ी शो कर देगा। मान लीजिए ना उसको पिवट में उसको सुजीत के नाम के आगे 5 सुजीत उसको मिले, और 5 सुजीत में यहाँ पे उसको इतने सारे नंबर्स मिले। अब इसके बाद सिचुएशन क्या है, क्या हो सकता है, वो खाया था इस नंबर का सम दिखाएगा या एवरेज दिखाएगा, एक मैक्सिमम दिखाएगा या मिनिमम दिखाएगा, कोई कैलकुलेशन ही दिखाएगा, ठीक है। सारा नंबर एक कॉमा कॉमा करके थोड़ी दिखाएगा इस तरह से, ठीक है, समझे, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो कैलकुलेशन हो रहा है ना। अगर आपका ये सुजीत एक बार ही है तो सम ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एवरेज सम लीजिए, मैक्सिमम लीजिए, मिनिमम लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, अगर वह एक बार रिपीटेड है तो। ओके, ये हमें उसको समराइज करके देगा, टोटल करके, जी हाँ समराइज करके देगा।
टोटल चाहिए होगा तो जैसे कि मान लीजिए मुझे रो यहाँ पे मेरे लिस्ट का पता करना है कि क्या है, जस्ट आप एवरेज ऑफ एमआरपी पे डबल क्लिक कीजिएगा, नई सीट में सारे डेटा आपको यहाँ पे आ जाएगा। समझ गए? ठीक है, क्या करना है, जस्ट डबल क्लिक करना उसके ऊपर। तो यहाँ पे मैं ये समझा रहा था आपको कि जैसे ही आप यहाँ पे एक से ज्यादा फील्ड को रखते हैं, जैसे ही आप यहाँ एक से ज्यादा फील्ड को रखते हैं तो क्या होता है कि यहां पे आपको एक वैल्यू का कॉलम आ जाता है। आगे वैल्यू का कॉलम, तो एक वैल्यू का कॉलम आपके सामने आ जाता है। इससे पता चलता है कि आपकी वैल्यू में ऐड होने वाली फील्ड्स एक कॉलम बाय शो की जाए। अगर हमने वैल्यू को उठा के रीजन के नीचे रख दिया तो इस तरह से दिखेगा। ओके 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 ठीक है, समझ में आ गया मल्टीपल? समझ गया मैं। अब बात करते हैं मल्टीपल कॉलम। जैसे कि अभी जो रिपोर्ट आ रही है वो रीजन वाइज क्वांटिटी की आ रही है, मुझे रीजन वाइज क्वार्टरली रिपोर्ट चाहिए। तो हमने क्वार्टर फील्ड को उठाया और कॉलम में रख दिया, ये हमारा मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, राइट सर। लेकिन ध्यान रखिएगा कि कॉलम में आप उसी फील्ड को रखिएगा जिसका काउंट कम हो। जैसे मान लीजिए हमने कस्टमर को उठाया और इसमें रख दिया, रखते ही आप देखिए कितना बड़ा बन गया। ठीक है सर, इसको नेविगेट करना, एक पेज में प्रिंट करना तो मुश्किल हो गया ना सर। हाँ जी, तो आप कॉलम में उसी फील्ड को रखेंगे जिसकी क्वांटिटी या जिसकी आइटम नंबर ऑफ कम है। क्वेश्चन आता है कि अगर ज्यादा हुआ तो क्या करेंगे, तो इस क्वार्टर को हमें रीजन के नीचे रख के सब हेडिंग बना देना। एशिया, यूरोप, मिडल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका दिख रहा है ना सर? ठीक है, तो ये क्या होगा, अब इसमें देखिए प्लस का निशान है, इसको बोलते हैं कलैप्स ऑन एक्सपेंड। यहाँ डेटा पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको पिवट टेबल एनालाइज मिलेगा। तो पिवट टेबल एनालाइज पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका कलैप्स और एक्सपेंड, कलैप्स एक्सपेंड। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इससे फायदा क्या हुआ कि हमने हमारा समरी ऑफ द समरी बन गया। हमने यहाँ पे समरी रीजन वाइज जाके, लेकिन मुझे यूरोप का पता करना है कि क्वार्टर में कौन कौन है, तो इसको क्लिक कर। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो है ये मेरा जो क्वार्टर वन और क्वार्टर टू है ये नेक्स्ट कॉलम में आए, इस कॉलम में ए ना आए, कॉलम बी में आए। अभी मैं आपको इसी बारे में बता रहा था। अब जैसे कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, कि हमारे पास एक डेटा है, तो अगर हम रिपोर्ट को एज ए पिवट टेबल, हमने रिपोर्ट को एज ए पिवट टेबल के जरिए ही भेज दिया तो ठीक है, लेकिन हमें इसको कॉपी करके कहीं पेस्ट करना, तो क्या दिक्कत होगी कॉपी पेस्ट करने में, करके देखता हूं। अब इसको मैंने इसको कॉपी किया और यहां पेस्ट वैल्यू कर दिया, तो ये एक ही कॉलम में सब कुछ आ गया, जिससे ढूंढना मुश्किल है। तो अलग अलग कॉलम में करने कई सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि राइट क्लिक कीजिए, पिवट टेबल ऑप्शन में आइए और यहां हमारा डेटा दिखेगा आपको। डेटा में, डेटा नहीं, व्यू, डिस्प्ले में, डिस्प्ले में आइए, क्लासिकल पिवट टेबल लेआउट, क्लासिकल पिवट टेबल लेआउट पे चले जाए। तो ये आपका अलग अलग कॉलम में रिपोर्ट दिख रहा है। या फिर दूसरा तरीका था कि डिजाइन में ही आपको यहां पे रिपोर्ट लेआउट दिखेगा। ठीक है, ठीक है,
इसी में आप शो इन द टेबुलर फॉर्म, शो इन टेबुलर फॉर्म पे क्लिक कीजिए, ये आपका टेबुलर फॉर्म में डेटा दिख रहा है। ठीक हो गया, हो गया सर, ठीक हो गया। अब इसमें एक चीज और आती है, मैं आप इस पे आता हूं। जैसे कि ये टोटल हटाना है, सो सब टोटल हटाते हैं, तो राइट क्लिक कीजिए और यहां से सब टोटल रीजन को हटा दीजिए। ठीक है, हटा दिए। अब इसको रिपीट भी करना है कि यहाँ पे एशिया पैसिफिक रहा है, ब्लैंक तो ब्लैंक सेल ना है, तो डिजाइन में ही यहीं पे आपको दिखेगा इंसर्ट ब्लैक लाइन आफ्टर ईच आइटम। ठीक है, ये तो उसने क्वार्टर फोर के बाद एक ब्लैंक लाइन इंसर्ट कर दी ना, सॉरी ये आपका रिपीट ऑल आइटम लेवल, और इसने ब्लैंक लाइन किया, रिमूव कर देता हूँ। ब्लैंक लाइन कभी कभी क्या होता है, सेपरेशन दिखने के लिए, बहुत बड़ा डेटा होता है सेपरेट दिखे, तो यहाँ पे ब्लैंक लाइन इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसको कैसे पता चला कि मैंने कहाँ पे ब्लैंक लाइन इंसर्ट करनी है? वो इसने देख लिया ना जहाँ पे दोनों अलग अलग हो रहे हैं, खत्म हो रहा है ना, जैसे एशिया पैसिफिक जहाँ खत्म हो रहा है, आइटम खत्म हो रहा है, उसके बाद इंसर्ट। ओके, आपको रिमूव करने हैं रिमूव कर दीजिए, आपको ये रिपीटेशन भी रिमूव करनी है, डू नॉट रिपीट। कभी कभी क्या करना होता है कि हमें इसको मर्ज करना होता है, तो आप इस पर राइट क्लिक करें, पिवट टेबल ऑप्शन में आ जाए, और पिवट टेबल ऑप्शन में आने के बाद यहां आपको दिखेगा मर्ज एंड सेंटर विथ लेवल। मर्ज हो गया, ठीक है, तो इस तरह से रिपोर्ट में आ सकते हैं। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मुझे पता करना है कि ये इसका डेटा क्या है, तो हम डबल क्लिक कर देते हैं, आ जाता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि डबल ये नुकसानदेह होता है, मतलब बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि डबल क्लिक करने की आदत होती है, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा ना। ठीक है, तो पिवट टेबल ऑप्शन में डेटा में ही आप क्या करें, अनेबल शो डिटेल्स को दिख रहा है, ठीक है, इसको अनचेक कर दें। अब मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये डेटा मुझे नहीं दिखेगा। ठीक है, ठीक है, ये रही हमारी आज की पिवट टेबल की पहली क्लास। हम आपको ये डेटा जो है भेज दे रहे हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, और आप इसमें है मुझे 5-7 पिवट टेबल बना के भेजिए। ठीक है, फिर अगली क्लास, कल की क्लास में हम आपके साथ इससे आगे की चीजें पढ़ेंगे पिवट टेबल। अभी आपके 5-7 क्लासेस पिवट पे ही चलेंगे। ठीक है सर, ठीक है, पिवट को धीरे धीरे और तसल्ली से सीखिए सर। पिवट पे एक्सपर्ट हो गया तो आप अपने ऑफिस के 60-70% रिपोर्ट पे एक्सपर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा सर, वो ये जो फाइल है, मैं कहता हूँ अगर हम 5-5 मिनट डेली आप सिर्फ मुझे दे देना, वो मेरे मैंने एक मिनट, ये जो मेरी टेस्ट फाइल है, एक मैं आपको भी भेज, टेस्ट फाइल नहीं समझा, टेस्ट फाइल मुझे भेज दीजिए, जो जो क्वेश्चन आप नहीं बनाए हैं उससे रिलेटेड टॉपिक पे हम एक रिफ्रेश क्लास आपको दे देंगे, सारे चीजें दोबारा समझा देंगे। ठीक है, ठीक, समझ, मैं आपको मना तो नहीं कर रहा हूँ कि नहीं करूंगा, लेकिन मुझे भेज देंगे ना तो मैं अपने टॉपिक को रख लूंगा और फिर मैं अपने हिसाब से अलग एग्जाम्पल में अच्छे तरीके से समझा दूंगा ताकि आप उस टेस्ट फाइल को दोबारा से आप कर पाएंगे। बढ़िया हो गया, मैं आपको भेज देता हूँ, बढ़िया हो गया। ठीक है सर, ठीक है, प्लीज सर मेरी क्लास देते रहे करें, क्योंकि मैंने बहुत, हाँ, पिछले वीक में दिक्कत हो गई थी थोड़ी सी, अब नहीं होगी दिक्कत, कंटिन्यू क्लास। प्लीज सर, आई विल अप्रिशिएट दैट। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।